अभी भारत सरकार ने ये इजाज़त नहीं दिया है कि आप बॉर्डर में किसी को लीजिए, इसलिए तब समस्या समाधान नहीं होगा। आप तो 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को ले नहीं सकते हैं। समाधान उसी में है कि हमें पूरा डिप्लोमेटिक चैनल से काम करते हुए बांग्लादेश में ही उनको सिक्योरिटी देने का काम करें, और इस विषय में भारत सरकार जो व्यवस्था लेगी स्टेट गवर्नमेंट भी उनको ही फॉलो करेगा, हमारा कुछ अपना व्यवस्था उसमें नहीं होगा। सर, आपने एक ट्वीट में कहा कि आसाम में कुछ जिले मिनी बांग्लादेश हो रहे हैं। देखिए, मैंने ये दिखाया बांग्लादेश में 51 और 2024 ये जो तमाम समय हुआ उसमें बांग्लादेश में हिंदुओं का संख्या 33% से घट के 8%। लेकिन लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कम हुआ, अगर वही आंकड़ा आप बंगाल असम और झारखंड में डाल देते हो, हमारा यहाँ में भी वही परसेंटेज में हिंदू घाटा है, हिंदू का संख्या घाटा है। तो मैंने असम और बांग्लादेश का कंपैरिजन दिया, एक ही समय में बांग्लादेश में 13% हिंदू घाटा है और असम में 9% हिंदू घाटा है। मतलब देश में जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, डेमोग्राफी का परिवर्तन है, वो कैसे एक भूगोल में कि ये बांग्लादेश है इसलिए वहाँ हुआ है, इंडिया में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पूरा जो ईस्टर्न सेक्टर है बांग्लादेश से सटे हुए, हर जगह में ये हिंदू शिफ्ट हो रहा है, हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है। सर, आपके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए थे कि असम की चिंता हेमंता को नहीं है बल्कि झारखंड की चिंता ज़्यादा। देखिए, मैं असम में रात 2-3-4 बजे तक मेरा जिम्मेदारी में निभाते रहता हूँ, लेकिन आज मैं मुख्यमंत्री जी का कोई बात का जवाब देना नहीं चाहूँगा, किसलिए आज उनका जन्मदिन है, भगवान उनको लंबा आयु दे। और आज दिन में कम से कम आज का दिन हम कोई उनका साथ में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरा इतना ही भगवान से प्रार्थना है कि हेमंत सोरेन जी को लंबा आयु दे भगवान, और उनको सुख समृद्धि, परिवार को, सारे परिवार का सदस्यगण को सुख और समृद्धि मिले।